के फील्ड में वो है अमित त्रिवेदी एंड ही शुड बी सपोर्टेड एंड ही शुड बी बैक्ड एंड ही इज डन अ फैंटास्टिक जॉब. एवरी सॉन्ग द वे ही इज कंपोज्ड एंड द एंटायर ऑर्केस्ट्राइजेशन इज टेरिफिक एब्सोल्युटली. एंड जावेद साहब ने गाने लिखे हैं इस फिल्म के. अभय देओल की जो चॉइस है इस फिल्म के अंदर, वो चॉइस अभय देओल की फिल्म के अंदर मैंने उसे चूज नहीं किया ये. और मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें किसको लें, किसी और को, इमरान खान को ले लेते हैं या फिर किसी और हीरो को ले लेते हैं. मगर ये मेरी डॉटर रिया और इस फिल्म की जो राइटर देविका भगत जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखा, उन्होंने कहा कि अगर ये रोल जो है अर्जुन बर्मन का, अभय देओल से बेटर ये रोल कोई कर नहीं सकेगा. एंड इट इज देयर चॉइस एंड दे वर कंप्लीटली राइट बिकॉज इट इज वेरी अनकन्वेंशनल. बड़ा अलग सा लगता है, ऐसा लगता नहीं कि इनकी कभी लव स्टोरी हो सकती है. एंड दैट इज द एक्साइटमेंट पार्ट ऑफ इट कि व्हेन यू फील दैट इट इज नॉट पॉसिबल एंड हाउ इट डेवलप्स इनटू अ लव स्टोरी इज व्हाट इज एक्साइटिंग. यू नो, हमेशा कास्टिंग एक बहुत ही जरूरी चीज होती है फिल्म बनाने में. अगर आपकी कास्टिंग सही हो जाए तो ऑटोमेटिकली हर चीज अच्छी लगती है. एक्टिंग एक ऐसी चीज है वो अकेला आदमी नहीं कर सकता. यू नीड अ बेटर गुड को स्टार, यू नीड गुड एक्टर अराउंड यू, यू नीड अ गुड डायरेक्टर. अच्छा डायरेक्टर होना बहुत जरूरी है, अच्छा राइटर होना बहुत जरूरी है. सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स कंप्लीटली टीम वर्क. कभी कभी कोई एक्टर की बुराई होती है, काम अच्छा नहीं किया, भाई उसकी सिर्फ गलती नहीं है. यू नो, या कोई फिल्म बोले यार उसने जबरदस्त काम किया, जैसे लोग कह रहे हैं कि यार इमरान और सोनम की वजह से फिल्म चली, भाई ये बिल्कुल सही बात नहीं है. द फिल्म वर्क्स ऑन टोटैलिटी. कभी कभी लोग प्रेस में ऐसे बोल देते हैं और कोई भी बोलते हैं यार ये फिल्म इसकी वजह से नहीं चली, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग. इट्स एक्चुअली इट इज कंप्लीटली अ टीम वर्क.